Assalamu alaikum. Okay, now I am going to tell you in this video about the galactose metabolism. Galactose hai kya ji? Aapko pata hai ki ji ek cheez hamara jo 6 carbon sugar hai sabse important that is glucose. Aur glucose ka hi ek epimer hota hai bilkul usi ki tarah ka hota hai bas ek jagah par changing aati hai that is called galactose. Isme bhi aldehyde group hi hota hai. Jo aapka lactose hai milk hai jise kehte hain lactose jise kehte hain it is a combination of galactose and glucose. ठीक है तो galactose सबसे ज़्यादा हमें milk से मिलता है क्योंकि galactose और glucose का combination से lactose बनता है तो galactose is just a epimer of glucose आपने याद रखना है. अच्छा अब इसकी metabolism body में कैसे होती है? जाहिर है हम milk जब लेते हैं तो lactose टूटता है galactose और glucose में तो galactose को भी metabolize होना है. सो इसकी metabolism का हम देखते हैं तरीका क्या है. सबसे पहले कि galactose body में आ गया, दूध पी लिया हमने ढेरों ढेर. जैसे ही galactose body में आया सबसे पहले हर चीज़ की फॉस्फोराइलेशन होती है. अगर 6 फॉस्फोराइलेशन होनी हो लाइक गैलेक्टोज 6 फॉस्फेट बनना होता तब तो हेक्सोकाइनेज आ जाता, लेकिन यहाँ पर बनेगा जी गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट. एंजाइम हमेशा काइनेज ही आएगा. अगर आपको नहीं कुछ आता मैंने पहले भी बताया हुआ जस्ट राइट काइनेज, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर गैलेक्टोकाइनेज आएगा. जिस तरह फ्रुक्टोज में फ्रुक्टोकाइनेज आते हैं गैलेक्टोज में गैलेक्टोकाइनेज आ गया. गैलेक्टोकाइनेज आया गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट बन गया. अभी गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट अभी किसी तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे बनाना है यूडीपी गैलेक्टोज. ठीक है फिर उसके 2-3 तरीके हैं जिनसे यूडीपी गैलेक्टोज इस्तेमाल हो सकता है बॉडी में. ये बनेगा कैसे? आपको याद होगा कि हमने पिछले एक पाथवे में पढ़ा था कि यूडीपी ग्लूकोज बनता है. यूडीपी ग्लूकोज हमने बनाया था एक प्रीवियस पाथवे में. उसका भी ये 2-3 स्टेप्स होते हैं जिससे यूडीपी ग्लूकोज बनता है. बहरहाल ये बॉडी में प्रेजेंट होता है, बना हुआ होता है. सो यूडीपी ग्लूकोज आएगा. ये बेचारा बहुत शरीफ होता है. ये जो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट है ये इसके पास आता है, बदमाशी से इससे कहता है कि जी मुझे नहीं पता अपना यूडीपी मुझे दो. ठीक है तो ये वाला जो गैलेक्टोज है ये बदमाश होता है, ग्लूकोज बहुत शरीफ होता है. तो ग्लूकोज शरीफों की तरह अपना यूडीपी इस गैलेक्टोज को दे देता है एंड जो एंड में बनता है वो हो जाता है यूडीपी गैलेक्टोज बन जाता है कि यूडीपी गैलेक्टोज के पास आ जाता है और ग्लूकोज बेचारे के पास सिर्फ 1 फॉस्फेट रह जाता है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाता है. इस तरह यूडीपी गैलेक्टोज बन जाता है जिसको हम बॉडी में डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर लेते हैं. सो ये सिंपल सा रिएक्शन है कि पहले गैलेक्टोज ने गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट बनाया बाय गैलेक्टोकाइनेज, उसके बाद इस गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट ने यूडीपी ग्लूकोज से उसका यूडीपी छीन लिया, अपने साथ जोड़ लिया और अपना 1 फॉस्फेट उसे दे दिया. सो ये रिएक्शन में आपका बन गया यूडीपी गैलेक्टोज. यह जो एंजाइम होगा इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसकी तो सिर्फ और सिर्फ ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस एंजाइम की लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म पूछ लेंगे. इसे गाल्ट कहते हैं, GALT गाल्ट इस एंजाइम का शॉर्ट फॉर्म है. लॉन्ग फॉर्म में है जी गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज. गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज. देखिए ये हुआ ना गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट था जिसने यूरिक यानी यूडीपी को ट्रांसफ़र करवा लिया. ठीक है ये इस तरह आपने याद रखना कि गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट ने यूरिक यूडीपी को ट्रांसफ़र करा लिया. तो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज गाल्ट कहते हैं इसको. ये एंजाइम था जिसने ये सारा रिएक्शन कराया है. अब इस यूडीपी गैलेक्टोज के इस्तेमाल क्या क्या हो सकते हैं? पहली तो चीज़ ये कि ये यूडीपी गैलेक्टोज फिर से यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. वो कैसे होता है कि यूडीपी गैलेक्टोज जो है इस पर एक और एंजाइम एक्ट करता है. क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो गैलेक्टोज है इट इज़ एन एपिमर ऑफ ग्लूकोज और 4 एपिमर है. ये याद रखना है, 4th पोजीशन पे दोनों में डिफरेंस है, 4 एपिमर है इसका. सो जो एंजाइम यूडीपी गैलेक्टोज को यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा वो 4 एपिमरेज होगा. 4 एपिमरेज एंजाइम का नाम है क्योंकि इसने गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, यूडीपी तो सेम है. सो वो यूडीपी गैलेक्टोज को यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा. यूडीपी ग्लूकोज हमारे दूसरे पाथवेज में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है तो 4 एपिमरेज एंजाइम का नाम है. ज़्यादा स्पेसिफिक करूँ तो यूडीपी हेक्सोज 4 एपिमरेज है. 4 एपिमरेज भी काफ़ी है बट यूडीपी हेक्सोज 4 एपिमरेज इसका पूरा नाम है. सो आप याद कर लेंगे तो अच्छा होगा. पहला इस्तेमाल हमने देख लिया इसका. दूसरा इसका क्या इस्तेमाल है? यूडीपी गैलेक्टोज जो हमने बनाया है ये यूडीपी गैलेक्टोज हमारे ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स और गैग्स ग्लूकोज हमारे ग्लाइकेंस इनकी सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्या रोल है ये हमने डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपने याद रखना कि ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड गैग्स इन तीनों के सिंथेसिस में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. तीसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज़ ये है हमारा जो गैलेक्टोज है उसका नहीं, बस ये दो इसके रोल्स हैं कि एक यूडीपी ग्लूकोज बना देता है एक ये कर देता है.
सो ये आपका इस तरह गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म का पाथवे भी ख़त्म हो जाता है. बहुत सिंपल सा है कि आपका पहले सबसे गैलेक्टोज कैसे मेटाबलाइज होकर यूडीपी गैलेक्टोज बनेगा, फिर यूडीपी गैलेक्टोज किस तरह से यूडीपी ग्लूकोज बना देता है, और दूसरा ये इन चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है. सो आपने याद रखनी है इसके बारे में बातें गैलेक्टोज के बारे में. इसमें दो तीन डिसऑर्डर्स भी हैं कि अगर एक एंजाइम जो आपका ये गाल्ट है इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे हम क्लासिक गैलेक्टोसीमिया कहते हैं, और अगर आपका पहले वाला गैलेक्टोकाइनेज डेफिशिएंट हो जाए तो भी कैटरेक्ट वगैरह बनने का खतरा होता है. खैर ये इतने कोई मुश्किल बातें नहीं है, दे आर वेरी इजी. सो दिस इज ऑल अबाउट गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क. थैंक यू.